जन्म और मृत्यु, एक जीवन का आरंभ, एक जीवन का अंत। अब ये एक चक्र है और हर चक्र की भांति इसका भी जहां से आरंभ होता है वहां पे अंत भी होता है। अर्थात हर एक मनुष्य जिसने जन्म लिया उसके जन्म के साथ ही ये निश्चित हो जाता है कि उसकी मृत्यु भी अवश्य होगी। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सदा सदा के लिए रहेगा। अब ये हम सभी जानते हैं। हमारे पास जो जीवन हमें मिला है जिसे हम जी सकते हैं उसमें हम क्या करते हैं वो महत्वपूर्ण होता है। कुछ ऐसा कर जाइए कि जीवन के पश्चात भी अमर रहे, हमारा कथन हमारे कर्म इस संसार में प्रेरणा भरते। और यदि प्रेरणा हम ना भी दे पाए तब भी ये संतोष होना चाहिए कि हमने हमारे जीवन को व्यर्थ नहीं किया। इस जीवन को जीने की चाह में हमने समय व्यर्थ नहीं किया और इस जीवन को जीने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग यही है कि कब मृत्यु हमारी होगी, कैसे हमारी मृत्यु होगी, इस चिंता को त्याग कर हम वर्तमान में जी, आज में जी, आज कर्म करें और आज जो संकट सामने है उसका सामना करें। भविष्य के मार्ग अपने आप खुल जाते हैं। आपके जीवन में संकट की बड़ी बड़ी चट्टानें आएंगी, उन चट्टानों को इतना दुर्बल बना दीजिए कि भले ही आप वहां से चले जाओ आपके पीछे जो भी उस मार्ग से आ रहा है वो भी बड़ी सरलता से उस चट्टान को तोड़कर आगे निकल जाए। स्मरण रखिए आपके प्रयास का अपना एक महत्व है। यदि आप किसी किले पर ध्वज लहरा भी न पाए तब भी आपके प्रयास का महत्व कभी कम नहीं होगा। तो प्रयास करते रहिए और मेरे साथ प्रेम से कहते रहिए राधे राधे।